नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों ग्रहण, जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में कि इस महीने अप्रैल महीने में 30 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में सटीक जानकारी, क्या सूतक काल हमें मानना होगा, ग्रहण का समय क्या होगा, ग्रहण का नियम कौन सा होगा, क्या हमें ग्रहण के नियम पालन करना है, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों ग्रहण दो होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। दोस्तों सूर्य ग्रहण जिसे कि सोलार इक्लिप्स भी हम कहते हैं, तो 30 अप्रैल को यानी कि शनिवार को अमावस्या को यह ग्रहण आने वाला है। अब बात करें कि यह ग्रहण भारत में होगा कि नहीं होगा। दोस्तों यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों यह ग्रहण भारत के समय के अनुसार रात को 12:15 में लगने वाला है और सुबह 4:07 तक के यह ग्रहण लगभग 4 घंटे का होने वाला है। लेकिन यह ग्रहण हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण का अर्थ क्या होता है कि जब भी चंद्रमा सूरज को ढक देता है तो सूर्य का जो प्रकाश हमारे धरती में नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इस स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। तो दोस्तों 30 अप्रैल का जो ग्रहण है शनिश्चरी अमावस्या को लग रहा है, तो आपको इस दिन सूतक काल नहीं मानना होगा क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं है, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साथ ही ग्रहण के जो प्रिकॉशन है उसे भी पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। शनिश्चरी अमावस्या है, पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, दान करते हैं, स्नान करने का महत्व शनिश्चरी अमावस्या में विशेष होता है। तो इस बात की पुष्टि कर लीजिए कि 30 अप्रैल का जो सूर्य ग्रहण है हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और भी कुछ आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को अवश्य करिए। जय माता दी।